फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये एक कंप्यूटर का यूपीएस है, जो कि आपके घर में भी ये कबाड़ में पड़ा होगा। तो इसका हम आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसा जुगाड़ जो कि देखिए बहुत ही पुराना है। देखिए इसमें जंग भी पकड़ रही है और ये ख़राब पड़ा हुआ है घर पर और ये ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो है बहुत ही पुराना है, तो ये सबके घरों में अक्सर मिल जाते हैं जो लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इससे हम आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक जिससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो इससे बनने वाला है एक ऐसा जुगाड़ जो कि आपके लाखों रुपए बचाएगा। तो आइए अब हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। और हाँ, ओपन करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, सभी हमारे सब्सक्राइबर भाई इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमने इसको ओपन कर लिया है पूरा और अब हम इसमें थोड़ा सा साफ भी कर देंगे इसको। और इसमें देखिए बैटरी मैंने पहले से ही हटा दी है और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा अंदर डस्ट भरी हुई है। और इसमें जो है बैटरी वाले वायर को बाहर निकालना है और उससे हमें इसका उसमें आउटपुट ले लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप इसमें करना क्या है, आपको सिंपली से दो वायर लेने हैं जो कि 4 mm कॉपर के हैं। आप 4 mm का लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा लोड रखने में आसानी रहेगी। तो मैंने बैटरी को हटाया तो बैटरी का जो ये निगेटिव और जो ये बैटरी का पॉजिटिव, इन दोनों में आपको बस कनेक्ट कर देना है दो वायर और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है और टेपिंग करके बाहर निकाल लेना है। और मैंने इधर इसमें कनेक्ट कर दिया है अपने बैटरी में, बैटरी का ये मैंने बनाया हुआ है और इधर से मैंने MCB कर दिया है ऑन और अब इसमें सप्लाई आना चालू हो गई है। और अब हम इसमें सिंपली स्विच को करेंगे ऑन और अब आप बल्ब को देखेंगे। तो देखिए मैंने बैकअप मोड पर ही देखिए बताने लगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, नहीं बैकअप मोड पर ये चालू है। और अब आप देख पा रहे हैं ये 100 वाट का बल्ब बहुत ही खूबी से जल रहा है और मैंने इसके बैक पैनल पे इसको लगाया हुआ है और ये अभी करीबन एम्पियर हमारा 13-14 एम्पियर ले रहा है और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जल रहा है। तो दोस्तों, ये जो जैक आप बाहर देख रहे होंगे, आपको इसका डाउट होगा तो मेरा ये थोड़ा सा जैक वाला सिस्टम ख़राब हो गया था, जैक थोड़ा लूज़ हो गए थे, जल गए थे, तो मैंने अलग से इसका कनेक्शन यहाँ से दे दिया। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको वैसे ही रखना है। बस आपको करना ये है, बैटरी वाले जो दो वायर होंगे आपके, बैटरी को हटाकर बाहर करना है और बैटरी वाले से ही दो वायर कनेक्ट करके आपको बाहर निकाल लेने हैं और बैटरी में कनेक्ट कर देना है। और चार्जिंग का जो लफड़ा हुआ वो आपका, ऐसे मैंने सोलर लगाया हुआ है, सोलर के वायर आपको इसमें कनेक्ट कर देने हैं और ये जो वायर निकलेंगे बैटरी में जाएंगे तो सोलर से बैटरी चार्ज होती रहेगी और हमारा ये इन्वर्टर हमारे घर की पूरी लाइट जलाता रहेगा। तो इस तरीके से आप फ्री में इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप नया इन्वर्टर लेने जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये आपके लगने वाले हैं, जितना आप वाटेज का लेंगे हिसाब का होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं घर पर और बहुत ही अच्छा बैकअप देता है और बहुत ही अच्छी खूबी के साथ जल रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वे एक नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।